हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिकोज आईक्यू। इस सेशन में हम आपके साथ एक छोटा सा ड्रग लेकर आए हैं, दैट इज एपोसाइनम कैनाबिनम। ये एक एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसको हम इंडियन हेम्प के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंडियन हेम्प ट्री। हेम्प ट्री समझ रहे हैं, भांग का जो ट्री होता है उस प्लांट से इसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसीलिए इसको इंडियन हेम्प के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा रिमेडी है जो कि ड्रॉपसी, हाइड्रोसिफेलस एंड एसाइटिस, मेनली इन तीन कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन रिमेडी माना जाता है। और इसका अगर हम फंक्शंस की बात करें तो किडनी पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका एक्शन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी के लिए, वेर इट कॉजेज इंक्रीज फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द किडनी एंड हेल्प इन द एलिमिनेशन। एपोसाइनम की अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो इसका सारा एक्सक्रीशन और डिस्चार्ज बहुत डिमिनिस्ड होता है, कम होता है, एस्केंटी होता है, स्पेशली इसका यूरिन एंड पर्सपायरेशन। ऐसे नक्स मोस्टाटा में भी रेयरली पर्सपायरेशन मिलेगा आपको, एस्केंटी पर्सपायरेशन। तो सबसे पहले इस ड्रग में हम लोग पार्ट देखें कि क्या क्या पार्ट हमें पढ़ना है। तो मेजरली इसमें हम जो पढ़ते हैं वो तीन पार्ट पढ़ते हैं, ड्रॉपसी, हाइड्रोसिफेलस एंड फीमेल सिम्टम्स। और लास्ट में जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि कंपेरिजन ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स इन केस ऑफ ड्रॉपसी। तो ड्रॉपसी के लिए इसके अलावे और कौन कौन से ड्रग्स हैं, उन सारे का हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी आने वाला वीडियो स्किप ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस ड्रग का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द ड्रॉपसी। ड्रॉपसी होता क्या है? तो ड्रॉपसी एक जस्ट स्वेलिंग है ऑफ द बॉडी पार्ट ड्यू टू द एक्सेसिव एकुमुलेशन ऑफ द फ्लूइड अंडर द सीरस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जनरली सीरस मेम्ब्रेन का ड्रॉपसी होता है। मेजरली अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स में देखें सीरस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होता है, तो मेजरली तीन पार्ट में होता है, जैसे लंग्स में प्लीयुरा होता है, हार्ट में पेरिकार्डियम होता है, एंड एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पेरिटोनियम होता है। तो ये एक मेजर सीरस मेम्ब्रेन होता है। अगर मान लेते हैं पेरिटोनियम में एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है तो यहाँ से एसाइटिस होगा, अगर पेरिकार्डियम में फ्लूइड भर जाता है तो पेरिकार्डाइटिस होगा, और अगर प्लीयुरा में भर जाता है तो प्लीयुरल इफ्यूजन। तो ये सारे ड्रॉपसिकल कंडीशन, एक एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड का कंडीशन होता है। अब आइए इसका देखते हैं कि ड्रॉपसी इसका कैसा है, एपोसाइनम का। ये ड्रॉपसी जनरली टाइफस या टाइफाइड लाइक फीवर के बाद होता है, या स्कारलेट फीवर के बाद होता है, या आफ्टर द सिरोसिस ऑफ लिवर और आफ्टर द एब्यूज ऑफ क्विनिन। तो ये सारे रीजन है, इसके बाद अगर ड्रॉपसी होता है देन यू कैन थिंक ऑफ द एपोसाइनम। एंड अभी बताया कि ड्रॉपसी ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, इसका जो ड्रॉपसिकल कंडीशन होगा वो एक्यूट होता है, एंड इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पे फ्लूइड बढ़ता है। मतलब ये जो ड्रॉपसिकल होगा, ड्रॉपसी में जो फ्लूइड होगा, ये कैसा फ्लूइड होगा? एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा। और दूसरा होता है ट्रांसुडेटिव फ्लूइड, ठीक है। तो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड क्या होता है, जो कि एक प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, प्रेशर इम्बैलेंस के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। सो अगर इन्फ्लामेशन एंड एक्यूट ड्रॉपसिकल कंडीशन होता है देन यू कैन थिंक ऑफ द एपोसाइनम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ड्रॉपसी विथ थर्स्ट, जस्ट लाइक द एसिटिक एसिड। हमने आपको एसिटिक एसिड में भी ड्रॉपसी को डिस्कस किया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिमेडी था एक ड्रॉपसी के लिए। तो वहाँ भी थर्स्ट होता है और यहाँ भी थर्स्ट है, बट पिकुलियर चीज़ें ये है, एंड वाटर डिसएग्री और इज वॉमिटेड। तो वाटर ये लेना नहीं चाहता है, पीना नहीं चाहता, वाटर डिसलाइक करता है, या अगर गलती से पी ही लेता है ना तो वॉमिट हो जाता है।
इस तरह के सिम्टम्स बाकी अदर ड्रग में भी मिलते हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम में। आर्सेनिक एल्बम में आपने पढ़ा होगा और हमने बताया भी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके वीडियो देखें, टाइप करें मेडिकोज आई क्यू आर्सेनिक एल्बम, वीडियो आ जाएगा। अब देखिए कि आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि वहाँ पे कोल्ड वाटर टॉलरेट नहीं कर पाता है पेशेंट, स्टमक डजंट सीम टू टॉलरेट कोल्ड वाटर बिकॉज इट कांट असाइमिलेट, तो उसको असाइमिलेट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर होता है उसके स्टमक में एक स्टोन लाइक हैवीनेस फील होता है, जिस वजह से वो जल्दी कोल्ड वाटर लेना नहीं चाहता, पीना नहीं चाहता। ये होता है आर्सेनिक एल्बम में इस तरह का सिम्टम्स, वाटर को डिसएग्री करने वाला, डिसलाइक करने वाला। दूसरा ऐसा सिम्टम सैनिकुला में भी होता है, वाटर इज वॉमिटेड एज सून एज इट रीचेस द स्टमक। सैनिकुला में भी सेम सिम्टम्स है कि जैसे ही स्टमक तक पानी पहुंचता है तो वाटर पहुंचते ही वॉमिट कर देता है, और इस तरह का सिम्टम्स उसके ब्रैकेट में है आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस में भी देखा जाता है। तो आर्सेनिक में तो अभी बता ही दिया, फॉस्फोरस में भी होता है। बिस्मथ में भी ये लाइन आपको मिलेगा, वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज सून एज इट रीचेस द स्टमक। तो ये कुछ ड्रग थे जिसमें किस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है, वाटर को डिसएग्री करने वाला या वाटर लेने के बाद वॉमिटिंग आ जाती। तो एपोसाइनम के ड्रॉपसी में थर्स्ट होता है बट वाटर डिसएग्री करता है, वाटर उतना ज्यादा ये लेना नहीं चाहता है। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ ड्रॉपसी इट इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक डिजीज सच एज द डिजीज ऑफ हार्ट, लीवर, किडनी डिजीज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली है। ऐसे यहाँ पे ड्रॉपसी सिंपली होता है, अनकम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन खास करके ये ऑर्गेनिक डिजीज के साथ देखा जाता है। हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ अगर होता है ड्रॉपसी तो आप वहाँ सोच सकते हो, लीवर का कोई प्रॉब्लम हो जाए लाइक लीवर सिरोसिस, या किडनी का कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इसके साथ अगर ड्रॉपसी देखा जाता हो देन यू कैन थिंक ऑफ द एपोसाइनम। नाउ द आफ्टर द ड्रॉपसी नेक्स्ट पार्ट इज द हाइड्रोसिफेलस, इट इज ऑल्सो गिवन इन द एक्यूट केस ऑफ हाइड्रोसिफेलस especially when head looks large and bulging, particularly forehead seems projected outwards and sutures are open। तो इसके hydrocephalus के केस में कैसा होता है कि head एकदम आपको बल्ज लार्ज दिखेगा, ऐसे भी head फुल जाता है due to the accumulation of fluid, और जो इसका particularly forehead होता है ना वो आगे की तरफ projected होता है, तो ऐसा इसमें हाइड्रोसिफेलस में सिम्टम देखने को मिलेगा। एंड सूचर्स आर ओपन, तो हाइड्रोसिफेलस के साथ अगर सूचर्स ओपन हो तो सोचिए किस तरह का होगा ये पेशेंट, तो ऑफ कोर्स बच्चे में होगा क्योंकि हम लोगों में सूचर्स तो ओपन होता नहीं है। तो बच्चों में अगर हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन आती है विथ ओपन सूचर देन यू कैन थिंक ऑफ द एपोसाइनम। इसके अलावा इसमें स्टूपर एंड साइट ऑफ वन आई लॉस्ट भी दिखेगा आपको, स्टूपर इनसेंसिबल हो जाता है, स्लीपी स्लीपी फील करता है, एंड एक आंख का विजन लॉस हो चुका होता है, साइट ऑफ वन आई लॉस्ट। तो अगर हाइड्रोसिफेलस के साथ ऐसा कंडीशन दिखता हो देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द एपोसाइनम। एंड और भी एक चीजें देखने को मिलती है हाइड्रोसिफेलस के साथ साथ, कॉन्स्टेंट एंड इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग। तो यहाँ पे एक आर्म और एक लेग का हमेशा ही मोशन होते रहता है कॉन्स्टेंटली, और अगर इसी तरह का मोशन लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग का होता है देन ड्रग विल बी द ब्राइनिया। तो इस तरह का वन लाइनर सिम्टम्स पूछा भी जा सकता है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है तो इसको ध्यान में रखें। एंड इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है दैट इज द फीमेल सिम्टम्स, इसको यंग गर्ल्स के एमिनोरिया के केस में दिया जाता है। याद करिए कि यंग गर्ल्स में एमिनोरिया एक और ड्रग में था और वो था एकोनाइट में, तो वहाँ पे यंग प्लेथोरिक गर्ल्स का एमिनोरिया होता है और इसको भी यंग गर्ल्स के एमिनोरिया में दिया जाता है, लेकिन इसकी कुछ पिकुलियरिटी है विद द ब्लॉटिंग एंड ड्रॉपसिकल एक्सटेंशन ऑफ द एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज। तो अगर यंग गर्ल में एमिनोरिया हो और साथ में ही एब्डोमेन उसका आगे की तरफ ब्लॉटेड हो, ड्रॉपसिकल कंडीशन देखा जाता हो एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज में देन यू कैन थिंक ऑफ द एपोसाइनम।
एंड इट इज ऑल्सो गिवेन इन द केस ऑफ द मेट्रोरेजिया, खास करके जब कंटिन्यूड मेट्रोरेजिया हो, कंटिन्यू फ्लो हो ही रहा हो, या फिर पैरोक्सिमल फ्लो, रुक रुक के फ्लो आ रहा हो, फ्लो आया बंद हो गया फिर रिपीट होता है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो अगर इस तरह का मेट्रोरेजिया हो देन यू कैन थिंक ऑफ द एकोसाइना। और मेट्रोरेजिया के केस में ब्लड हो सकता है, फ्लूइड भी हो या फिर क्लॉटेड भी, एंड ऑलवेज इट इज एसोसिएटेड विद द नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ऑल्सो पैल्पिटेशन, दिल का धड़कन एकदम धक 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 इस तरह से होते रहता है मेट्रोरेजिया। एंड ऑन मूविंग पल्स बिकम क्विक एंड फीवर, तो जब पेशेंट चलती है तो इसका पल्स बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है, फीबल पल्स हो जाता है, लेकिन क्विक पल्स रहता है, फास्ट में होगा लेकिन एकदम बहुत हल्का हल्का, ऐसा इसका मेट्रोरेजिया का सिम्टम्स होता है। साथ में आपको वाइटल डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा। वाइटल डिप्रेशन का क्या मतलब है कि सर बॉडी का जो वाइटल फंक्शंस होता है वो डिप्रेस हो जाता है, बहुत स्लो हो जाएगा, जैसे पल्स का फीबल हो जाना, ये भी तो एक वाइटल डिप्रेशन का ही साइन है। सो वाइटल डिप्रेशन में आकर एंड फेंटिंग व्हेन राइजिंग हेड फ्रॉम द पिलो, तो जब पिलो से अपना हेड ऊपर उठाती है या जगती है तो उस टाइम इसको फेंटनेंस का अटैक आता है, बेहोशी टाइप लगेगा। इसके अलावा एक चीजें और इसमें देखी जाती है, कफ शॉर्ट एंड ड्राई और डीप एंड लूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम में इसमें कफिंग देखा जाता है और ये कफ शॉर्ट होता है, एकदम थोड़ी थोड़ी खांसी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगा, और जो कफ होगा वो ड्राई होगा। बट अगर डीप खांसी होता है, बहुत ज्यादा अगर होता है तो वहां पर कफ उसका लूज होता है। तो याद रखें कि अगर शॉर्ट है खांसी, हल्का हल्का हो रहा है तो कफ ड्राई, एंड अगर डिफ कफ है, बहुत अगर जोर की खांसी है तो वहाँ पे जो इसका कफ होगा वो लूज हो जाता है, एंड खास करके ये प्रेगनेंसी के टाइम में देखा जाता है, और ऐसा सिम्टम्स आपको कोनियम में भी देखने को मिलेगा। तो ये है इसका फीमेल सिम्टम्स एपोसाइनम का। तो मेजरली इसका तीन ही पार्ट था इम्पॉर्टेंट, जो कि पहला पार्ट ड्रॉप्सिकल कंडीशन, दूसरा पार्ट इसका हाइड्रोसिफेलस, एंड तीसरा पार्ट फीमेल सिम्टम्स। तो एक छोटा सा रेमेडी है। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका रिलेशन। ये सिमिलर होता है टू एसिटिक एसिड, एपिस मेलिफिका, आर्सेनिक एल्बम, सिंकोना एंड डिजिटलिस, स्पेशली इन द ड्रॉप्सिकल एफेक्शन। तो ड्रॉप्सी के कंडीशन में ये सारे ड्रग्स को देखे जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस ड्रग का ड्रॉप्सी कैसा होता है। सबसे पहले एसिटिक एसिड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखें, टाइप करें मेडिकोज आईक्यू, एसिटिक एसिड आ जाएगा वीडियो। एसिटिक एसिड का कैसा होता है ड्रॉप्सी, इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिसिन फॉर द ड्रॉप्सी एसोसिएटेड विद द डायबिटीज एंड द जीआई डिजीज। तो यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज और डायबिटीज के साथ ड्रॉप्सी देखा जाता है एसिटिक एसिड, एंड साथ में इसका जो थर्स्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस थर्स्ट होता है। एंड विद ड्रॉप्सिकल कंडीशन जनरली प्रोफाउंड एनीमिया इज सीन विथ वैक्सी पैलर ऑफ द फेस, तो जो पेशेंट होगा ड्रॉप्सिकल कंडीशन में एनीमिक हो जाता है, फेस उसका पेल हो जाता है एसिटिक एसिड में, और साथ ही साथ ग्रे थर्स्ट, डेबिलिटी, इमेसिएशन, एसिटिक एसिड में बंदा इमेसिएटेड हो जाता है, बहुत ही लीन थिन बंदा होगा, एंड साथ ही साथ साबर बेल्चिंग, साबर वाटर ब्रास, एसिड वाटर ब्रास, डायरिया, इन सब के साथ अगर ड्रॉप्सी देखा जाता हो देन ड्रग विल बी द एसिटिक एसिड। एंड और भी एक सिम्टम्स है जो कि एसिटिक एसिड को कैरेक्टराइज करता है, पेशेंट के नॉट स्लिप लाइंग ऑन द बैक एंड बट रिस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली, तो वो पीठ के बल नहीं सो पाता है, पेट के बल सोना चाहता है। तो ये होता है ड्रॉप्सिकल कंडीशन एसिटिक एसिड का। इन सारे सिम्टम्स से आप ये कैरेक्टराइज कर सकते हो ये पेशेंट एसिटिक एसिड का है। अब आइए दूसरा देखते हैं एपिस मेलिफिका का कैसा होता है। एपिस मेलिफिका में जो है ओडिमा ऑफ हैंड्स एंड फीट, एनासर्का एसाइटिस, तो चूंकि इसको भी ड्रॉप्सी के साथ देखा जाता है, बट यहां पे जो पिक्युलियरिटी है वो क्या है, ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट, ठीक है। एंड एपोसाइनम में थर्स्ट है, एसिटिक एसिड में ग्रेट थर्स्ट है, बट एपिस में विदाउट थर्स्ट। एंड बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आईज,
ड्यूरिंग ड्रॉपसी। तो यहाँ पे आईज में पफी स्वेलिंग देखने को मिलता है ड्रॉपसी के कंडीशन साथ में, एंड ड्रॉपसी आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। तो ये है एपिज मेलिफिका का ड्रॉपसी। एंड देन ड्रॉपसी ऑफ आर्सेनिक एल्बम देखते हैं कैसा होता है। इट इज गिवन इन द एनासर्का विद द स्किन पेल वैक्सी एंड अर्थ कलर। तो यहाँ पे जो इसका स्किन का कलर होता है वो ग्रे कलर होता है, अर्थ कलर होता है, और एनासर्का एसआईटी सब एक तरह का स्वेलिंग कंडीशन ही है। ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम को दिया जाता है। लेकिन जो पिकुलियरिटी इसकी है कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बर्निंग थर्स्ट होगा फॉर कोल्ड वाटर बट विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक और ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम। तो यहाँ पे बर्निंग थर्स्ट होता है लेकिन विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक, तो पानी पी नहीं पाता, या अगर पिएगा भी तो थोड़ा थोड़ा करके पिएगा फ्रीक्वेंट इंटरवल पे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका स्टमक कोल्ड वाटर को टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो उसको हैवी जैसा फील आता है इसके स्टमक में। तो ये आर्सेनिक एल्बम को कैरेक्टराइज करता है। एंड पेशेंट स्लिप्स बेटर ऑन द बैक, तो यहाँ पे पेशेंट पीठ के बल सोना चाहता है। ये आर्सेनिक एल्बम का होता है ड्रॉपसी, एनासर्का या एसाइटिस, इस कंडीशन में आप सोच सकते हैं। सिंकोना में भी इस तरह का सिम्टम देखा जाता है। जनरली सिंकोना का जो एक्यूट डिजीज होता है उसके कारण वहाँ पे ड्रॉपसी हो जाता है। कोई भी अगर एक्यूट डिजीज है तो उसके साथ उसमें ड्रॉपसिकल कंडीशन देखने को मिलेगा। एक्यूट डिजीज ऑफन रिजल्ट्स इनटू द ड्रॉपसी एंड जनरली एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एस्पेशली हेमरेज। तो यहाँ का जो प्रॉब्लम होता है ये स्पेशली वाइटल फ्लूइड के लॉस होने के कारण होता है, लाइक हेमरेज हो गया, किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन हो गया, तो इसके कारण यहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। एंड अगर सिंकोना आए तो यहाँ एक चीज़ आपको तो दिमाग में आना ही चाहिए, दैट इज द ब्रोकन डाउन कंस्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के कारण ये बंदा एकदम पूरा से एग्जॉस्टेड वीक हो जाता है, टूट जाता है अंदर से। तो ब्रोकन डाउन कंस्टिट्यूशन के लिए सिंकोना को प्रीफर किया जाता है। एंड लास्ट में डिजिटालिस में भी ड्रॉपसिकल कंडीशन है, तो इसका ड्रॉपसी कैसा होता है? तो ड्रॉपसी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स स्पेशली वेन पोस्ट स्कारलेटिनल एंड इन ब्राइट डिजीज। तो अगर स्कारलेट फीवर के बाद ड्रॉपसी हो, वेदर इट मे बी द ड्रॉपसी ऑफ इंटरनल पार्ट्स और इट मे बी द ड्रॉपसी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स, बट इफ इट इज आफ्टर द स्कारलेट फीवर और इट इज सीन इन द केस ऑफ ब्राइट डिजीज, देन यू कैन थिंक ऑफ। एंड हियर द ड्रॉपसी is associated with the suppression of urine and fainting when there are organic affection of the heart. Scanty urination और अगर heart affection के साथ साथ dropsy देखने को मिलता है, then you can think of the digitalis. Weak heart without valvular complications. तो इसका heart बहुत ही ज़्यादा, मतलब उतना आप नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रेंथेन फंक्शंस होगा, एक वीक होता है इसका पार्ट। एंड ऐसा इसको फील होता है सेंसेशन एज इफ हर्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ सी मूव्ड, अगर वो चलेगी चलती है तो ऐसा लगता है कि इसका हर्ट बीट स्टॉप हो गया, हर्ट काम करना बंद कर दिया, ऐसा सेंसेशन होता है जो कि इसका पिकुलियर है डिजिटलिस का। तो ये था डिफरेंट ड्रग जिसको कि हम ड्रॉपसी के कंडीशन में सोच सकते हैं, किस किस ड्रग का किस तरह का ड्रॉपसी था वो हमने बता दिया। तो आप एक कंपेरेटिव वे में सोचिए इसको, तो अच्छे ढंग से आपको ड्रॉपसी के सारे ड्रग याद रहेंगे। और एपोसाइनम तो ऑलरेडी एक छोटा ड्रग है, इसमें जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ड्रॉपसी ही था। और एलन किनोट में एक लास्ट लाइन आपको मिलेगा कि ब्लाटा ओरिएंटलिस हैज क्योर्ड द बैड केसेस ऑफ जनरल ड्रॉपसी आफ्टर एपिस एपोसाइनम एंड डिजिटलिस फेल्स। और ये डॉक्टर हाइंस ने बोला था कि एपोसाइनम डिजिटलिस एपिस जहाँ फेल हो गया उसके बाद ब्लाटा ओरिएंटलिस भी ड्रॉपसी को ठीक किया। तो ये है एपोसाइनम, इस ड्रग में इतना ही। एलन किनोट को एक बार खोलिए, आप अच्छे से रीड करिए और फिर एक समराइज करने की कोशिश करिए इस ड्रग में क्या क्या था।
मिलते हैं नए ड्रग में, तब तक के लिए रखिए आप अपना ध्यान। थैंक यू।